ब्रेक से पहले हमने बात विजेंद्र से की प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या कुछ फर्क होता है, इसके बारे में बात की और विजेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वो कोई गुनाह नहीं करने जा रहे हैं, वो देश का ही नाम करने जा रहे हैं और एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं जहाँ पर आने वाले बॉक्सर जो यंग बॉक्सर्स हैं जो बॉक्सिंग को एक प्रोफेशनल प्रोफेशन के तौर पर लेना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा। और विजेंद्र अगर हम बात अब वापस इंग्लैंड की करें जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, बहुत मशहूर ट्रेनर हैं जो आपको बीवर्ड जो आपको बियर्ड जो आपको कोचिंग देंगे, ऐसे में क्या कुछ शेड्यूल होने वाला है ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल अब क्योंकि सब चीजें आप बता रहे हो तो ये भी बता दीजिए शेड्यूल क्या होने वाला है। शेड्यूल बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी मैं 10 दिन के साथ ट्रेनिंग की थी अपना मैनचेस्टर में तो बहुत मुश्किल होगा और लेकिन हर दिन का अलग लाइक ट्रेनिंग। पटियाला टाइप है, बहाना नहीं मार सकते? नहीं, पटियाला टाइप वो भी बड़ा आसान काम नहीं, वो भी बड़ा मुश्किल शेड्यूल था, लेकिन हम लोग इंडियन हम कर लेते, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं तो मैं कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूँ इतना मेरे को मालूम है। और हर दिन का एक अलग शेड्यूल होता है, उसमें आप कुछ भी कर लो, लाइक हर दिन एक लॉन्ग रन होगा, वेट ट्रेनिंग होगी, स्पारिंग होगी। तो ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को मालूम है सब कि हाँ कि बिकॉज एक नई राह होती है तो हमेशा मुश्किल ही होती है, हमेशा कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब अच्छा हो जाएगा तो जो नेक्स्ट फाइट हमारी होगी तो माइट वो इंडिया में हम कराएंगे या दिल्ली में कराएंगे। अब लंदन जा रहे हैं तो किसको ले जा रहे हैं सपोर्ट के तौर पर, कौन रहेगा वहाँ आपके साथ? जी पूरी टीम जाएगी, कहते हैं एक जब बॉक्सर होता है वो कभी अकेला नहीं चलता, उसकी पूरी टीम चलती है, कोच होते हैं, स्पारिंग पार्टनर होते हैं, पूरा ग्रुप जाता है, तो पूरी टीम होगी, मेरी फैमिली भी साथ में होगी। अच्छा, तो क्या तो ये नहीं कि लाइक परमानेंट शिफ्ट हो रहा हूँ मैं वहाँ पे, मैं अपना फाइट की उसके बाद बैक टू इंडिया, और उसके बाद जो अभी दोबारा फाइट आई तो उसके बाद एक दो महीना पहले एक लगाऊंगा वहाँ ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगा अपने। चलिए विजेंद्र, कुछ आखिरी में एक संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए, क्या कुछ है प्रोफेशनल बॉक्सिंग और किस तरह से उसको देखना चाहिए? मेरे को भी नहीं मालूम था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी प्रो बॉक्सिंग होती क्या, सिर्फ मैंने सिर्फ नेट से गूगल से धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया तो पता करता रहेगा कि प्रो बॉक्सिंग क्या है, तो एक नए दरवाजे हैं, एक नई मंजिल है, उसको पाने की कोशिश कर रहा हूँ और बस उसके लिए मेहनत करूंगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको लगता है परिवार में आप अकेले ग्रेजुएट हैं, उसका भी बहुत फायदा मिला है कि आपने पढ़ा, गूगल किया और उसके बाद आपको रास्ता जी, जी करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बिकॉज आजकल बहुत हाई हो रखी है और आपको मालूम है, कहते जमाने के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। चलिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जमाने के साथ चले और कभी पीछे ना छूटे। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह, एक नई दिशा की तरफ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और हम सब ये दुआ करेंगे कि उस राह पर जिस पर विजेंद्र चल निकले अपनी मंजिल तक पहुंचे और देश का नाम जरूर रोशन करें। तो चलिए विजेंद्र के साथ हमारी इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही।